गोपाल जी, विजय कुमार जी, रमेश सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित मंडलायुक्त गोरखपुर, सीओ गीडा समेत सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज एक साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम गीडा में संपन्न हो रहा है, जिसमें 650 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय योजना गीडा का आज यहां पर शुभारंभ होने जा रहा है। इसके साथ ही यहां पर हमने गीडा से जुड़े हुए विभिन्न विकास की 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। एसडी इंटरनेशनल के 300 करोड़ रुपए के निवेश के भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है और नैलेड द्वारा जो भारत सरकार का एक संस्थान है, इसके द्वारा स्किल डेवलपमेंट हमारा जो युवा है, हमारे पास प्रतिभाशाली युवा तो है लेकिन उसके स्किल को स्किल में बदलने का जो एक कार्यक्रम नैलेड के द्वारा यहाँ प्रारंभ किया गया है गीडा के सहयोग से, उनको प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया गया है। इन 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देते हुए इसमें रुचि लेने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि आज हर व्यक्ति के पास आवास हो, प्रधानमंत्री मोदी जी की 2014 में उन्होंने आने के बाद इस बात की घोषणा की थी और पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से 4 करोड़ गरीबों को, जिन्हें आजादी के बाद कभी कोई आवास की सुविधा नहीं मिल पाई थी, उसे हर एक के सिर को ढकने के लिए एक छत उपलब्ध हो पाया और आज हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक छत भी है। उत्तर प्रदेश में हमने लगभग 56 लाख लोगों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है, लेकिन ये वे लोग हैं जो बहुत गरीब थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा देकर के आवास खरीदना चाहते हैं। इसके लिए गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण और गीडा में गीडा प्रशासन आगे आया है कि हम एक आवासीय सुविधा, अत्याधुनिक आवासीय सुविधाओं से युक्त एक आवासीय योजना यहां पर हम लागू करेंगे, जिसमें हर श्रेणी के लोगों को, निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए भी, मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए भी, उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए भी, जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं अलग अलग श्रेणी में, उन लोगों के लिए आवासीय सुविधा इसी औद्योगिक केंद्र में उपलब्ध हो सके। आज इस पर एक बड़े कार्यक्रम को आगे लॉन्च किया गया है। मैं इसके लिए गीडा प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे गीडा में औद्योगिक निवेश करने वाले उद्योगपतियों को हृदय से बधाई देता हूं। कालेश्वर योजना की आवासीय योजना के साथ ही आज गीडा के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। यहां की बुनियादी सुविधाओं के लिए, अच्छी सड़क हो, नाली हो, बिजली हो, स्ट्रीट लाइट हो, सिवर लाइन बैठे, पार्क बने, इन सभी का भी आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। और साथ साथ एसटी इंटरनेशनल अपनी पैकेजिंग यूनिट को 300 करोड़ रुपए के इस नए पैकेजिंग यूनिट को यहां पर आज शिलान्यास का कार्यक्रम भी इन्होंने यहां पर आज संपन्न किया है। मैं इसके लिए गीडा प्रशासन को, यहां के उद्यमियों को हृदय से बधाई देता हूं और साथ साथ एसडी इंटरनेशनल जो पैकेजिंग के नए ब्रांड को लेकर के आ रहा है, उसके लिए उनको भी हृदय से मैं उनको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, पैकेजिंग का अपना महत्व होता है।
प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर उसका बाहरी आवरण अच्छा नहीं है, मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले तो उपभोक्ता सबसे पहले उसके बाहरी उसको देखता है, और बाहरी कैसा उसने पहना है, कैसा उसने किया है। बेढंगा अगर कोई व्यक्ति कपड़ा पहनकर के आपके बीच आ जाएगा, क्या आप उसको सम्मान देंगे? रवि किशन की फिल्मों को कितने लोगों ने देखा है? पीछे रवि किशन की फिल्मों को देखे हो? हाथ खड़ा करके बता दो एक बार, सब लोग कौन कौन लोग देखे हैं। मैं उनको बोलूंगा कि अपनी कोई फिल्म का स्पेशल शो करिए फ्री में यहां के लोगों के लिए। कितने लोग फ्री में फिल्म देखना चाहेंगे उनके? सभी लोग तो फिल्म में देखते होंगे ना, पूरा रंग रोगन करके आते होंगे रवि किशन, उसमें डेंटिंग पेंटिंग करके आते हैं कि नहीं आते हैं? तो ऐसे ही किसी वस्तु का भी होता है पैकेजिंग करना, उसको पैकेजिंग करके और वह जब सजता है लोग देखते हैं और फिर उसकी काफी ज्यादा कीमत हो जाती है। कीमत बढ़ाने में दुनिया के मार्केट में कंपटीशन में, और यहां पे एसडी इंटरनेशनल इस कार्य को प्रारंभ कर रहा है। मैं एसडी इंटरनेशनल के जो प्रोप्राइटर हैं, उनके जो चेयरमैन हैं विनय अग्रवाल और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने गीडा में ये निवेश किया है, और गीडा इस निवेश के लिए न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के लोग इससे लाभान्वित होंगे। तमाम अच्छे ब्रांड को पैकेजिंग उपलब्ध कराने में उन्हें मदद मिलेगी और उसका लाभ उन्हें उपलब्ध होगा। इसके साथ ही यहां पर गीडा आज एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे यहां बन रहा है, बहुत शीघ्र वह कार्य पूरा हो जाएगा। गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए दो नए रूट मिल जाएंगे, एक जिससे हम सहजनवा होते हुए खलीलाबाद होते हुए जाते हैं, और एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए भी आपको एक नया रूट मिल जाएगा, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मिलेगा। लेकिन साथ साथ इस एक्सप्रेस वे के दोनों ओर औद्योगिक क्लस्टर विकसित हो। पिछले 3-4 वर्ष के अंदर जो प्रयास किया गया, बहुत सारे लोग गोरखपुर में आए। इसमें वरुण वैभरेज का उद्योग यहां लग रहा है, कियान इंडस्ट्रीज यहां पे अपना निवेश कर रही है, सीपी मिल्क का कार्य यहां पर उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, तत्वा प्लास्टिक का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, CWC का एक कार्य निर्माणाधीन है, इंडिया ऑटो व्हीकल का भी यहां पे निवेश हुआ है, बालाजी प्रोसेसर्स का भी यहां पे भूखंड आवंटित हो गया है, रोंगटा इंडस्ट्रीज के लिए भी भूखंड आवंटित हो गया है, कपिला कृषि उद्योग के लिए भूखंड आवंटित हो चुका है, सिंह पेपर प्रोडक्ट के लिए और मुक्ता जैन के लिए भी भूखंड यहां पर आमंत्रित हो चुका है जहां पे निवेश होगा। मैंने जो ये नाम पढ़े हैं, केवल इसी में 5,000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी यहां उपलब्ध हो जाएगी, 5,000 लोगों को। आप याद करिए, ये 5,000 नौजवान सब यहीं के, तो जो ये लोग स्किल ट्रेनिंग जिनकी हो रही है नायलेट के द्वारा, ये सब लोग यहीं नौकरी पा जाएंगे। मैं पूछ रहा था उन बच्चों से, कोई जनगवा जैतपुर का रहने वाला है, कोई खजनी का रहने वाला है, कोई खल्लाबाद का रहने वाला है, कोई गोरखपुर सिटी का रहने वाला है, कोई सिपराइज का रहने वाला है, सब लोग यही के बच्चे हैं। पहले भटकते थे, आज बीए करने के साथ साथ यहां की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात का प्रावधान है कि अपनी परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए किसी एक कोर्स को भी उन्हें इस दौरान सर्टिफिकेट लेना है, और वह उस दौरान उनका स्किल डेवलपमेंट करेगा। जैसे ही वह छात्र अपनी पढ़ाई और डिग्री पूरी करके बाहर निकला, तो उसके साथ ही नौकरी उसका इंतजार कर रही होगी, अपने पैरों पर खड़ा होकर के फिर वह किसी भी बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकता है। कब तक जीवन भर मां बाप के ऊपर आश्रित रहोगे? और इसलिए युवाओं के लिए एक नया अवसर
गीडा प्रशासन ने यहां पे नैलेट के साथ ट्रेनिंग के माध्यम से प्रारंभ किया है और 5000 नौकरी तो केवल गीडा में ही आ रहा है, इसके अलावा ढेर सारे अन्य यहां पे उद्योग लगने जा रहे हैं, जिसमें यहां पे गारमेंट पार्क भी 25 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक पार्क इसी गीड़ा में स्थापित होने जा रहा है। यहां पर काफी बड़े एरिया में 35 एक यहां पर लगभग 88 एकड़ क्षेत्रफल में इसको विकसित किया जा रहा है। फ्लैटेड फैक्ट्री यहां पर गीड़ा में ही बन रही है और इस पर कार्य तेजी से चल रहा है। इस पर लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य भी यहां पर प्रारंभ हो चुका है। धूलियापार औद्योगिक टाउनशिप के लिए भी जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है, जिसमें हमारा वहां पे प्रयास है कि एक बड़े क्षेत्रफल को वहां पर हम लोग 5500 एकड़ के क्षेत्रफल में इस पूरे एक नई टाउनशिप गीड़ा से लेकर के धूलियापार तक इन सभी कार्यों के लिए हम वहां पे औद्योगिक निवेश के लिए कार्य प्रारंभ कर सकें, जिसमें अभी हाल ही में एक नई सीमेंट फैक्ट्री के लिए भी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, भूमि दिखा दी गई है। अब याद करिए, जिस कार्य में नौकरी के लिए पहले यहाँ के लोगों को दुनिया में जाना होता था, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जाना होता था, आज यहां के लोग सब यहीं पे नौकरी पाएंगे। ये एक प्रयास, जब बेहतर कानून व्यवस्था होती है, अच्छी सरकार बनती है, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, तब इस प्रकार का परिणाम आता है। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, जिसमें हम सबका संकल्प है, वह संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोरखपुर, उत्तर प्रदेश गोरखपुर आवश्यक है, और विकसित गोरखपुर के लिए औद्योगिक निवेश भी आवश्यक है। इसलिए उस प्रकार के सकारात्मक वातावरण में जब सरकार अच्छी नीयत से कार्य करती है तो उसके अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं। यहां पे इस औद्योगिक प्रोत्साहन निवेश के प्रोत्साहन के लिए यहां के प्रशासन को, पुलिस को, गीडा प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को और यहां की जनता जनार्दन को, खासतौर पर जिन क्षेत्रों की, गांव की जमीन दी जा रही है और वे लोग इसमें पूरा अपना सकारात्मक योगदान दे रहे हैं, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर एक नया गोरखपुर बन रहा है। कोई सोचता था कालेसर से जंगल कोड़िया को जोड़ने के लिए बाईपास बनेगा, आज बन गया ना, आज काम देख रहे होंगे। अब आपको पीपीगंज जाना हो तो गोरखपुर का इतना बचत हो जाएगा, यानी मुश्किल से पीपीगंज यहां से आधे घंटे में आप पहुंच जाएंगे, दूरी कम हो गई। गोरखपुर में एम्स भी आ गया, ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज का उन्नयन भी हो गया, गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना भी चल गया, आज गोरखपुर में चार चार विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं, और अभी हमने परसों ही गोरखपुर में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय का भी यहां पे भवापार के पास उसकी स्वीकृति भी दे दी है। वहां पे बड़ा क्षेत्रफल में वेटनरी कॉलेज की स्थापना होगी, जो बाद में एक विश्वविद्यालय बन जाएगा। आप सोचिए कि हर एक फील्ड में कुछ नया आ रहा है, हमें उस क्षेत्र के लिए कार्य करने, अपने आप को भी इसके लिए तैयार करना होगा। अटल आवासीय विद्यालय इसी सैजनवा में बना है, आश्रम पद्धति विद्यालय हरपुर बुधड़ के पास बन रहा है, हल्दी में पॉलिटेक्निक बन रहा है, यानी कितना कार्य हो रहा है। कोई सोचता था इससे पहले ऐसे कार्य होंगे, लेकिन आज विकास के लिए जब सकारात्मक माहौल बनता है तो परिणाम भी सामने आते हैं। तो एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ आस्था को सम्मान भी है। अयोध्या में कितने लोगों ने अयोध्या दर्शन किया है तक? आप लोग अयोध्या दर्शन कर लिए?
बाकी लोग भी अयोध्या दर्शन करने के लिए जाइए। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका है, भव्य मूर्ति विराजमान हो चुकी है रामलला की। अच्छा लगा ना कार्यक्रम? कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा ना? तो सभी लोग तैयार हैं उसके लिए? तो भाइयों बहनों, ये इसी उद्देश्य से कि आस्था का भी सम्मान हो और विकास का लाभ भी बिना भेदभाव को हर व्यक्ति को प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सब पर इसी प्रकार से प्रभु की कृपा बनी रहे, इन विश्वास के साथ आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।